हे गाइस, तो आपके साथ भी ऐसा कभी कभी जरूर हुआ होगा कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ होती हैं वो गलती से डिलीट हो जाती हैं। हो सकता है वो जानबूझ के डिलीट की गई हों या फिर किसी भी तरीके से वो डिलीट हो जाती हैं। फिर आपको पछतावा होता है कि मेरी फ़ोटोज़ डिलीट हो गई और आप उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो बस आज के वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी पिक्स आपकी गलती से डिलीट हो गई हों या फिर वो किसी भी तरीके से आपके फ़ोन में डिलीट हो गई हों तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को खोल लेना है। देखिए मैं प्ले स्टोर को खोलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डिस्क डिगर, देखिए DISK डिस्क डिगर। ये देखिए ये आ गया है, प्रेडिक्शन में आ रहा है डिस्क डिगर। इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये पहला है डिस्क डिगर और ये देखिए इसके 100 मिलियन इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो आप इसे ओपन करिए। मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आराम से यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद इसे ओपन करते हैं। ये देखिए जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला है आपका स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्कैन। तो फुल स्कैन मतलब कि आपके फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। रूट मतलब मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा कि रूट क्या होता है, रूट के क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप, क्योंकि आपका फ़ोन रूट नहीं है तो आप केवल बेसिक फ़ोटो स्कैन कर सकते हो। देखिए इसमें अंतर ये होता है कि अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो आप केवल अप्रॉक्स 90-95% जो फ़ोटोज़ होते हैं उसे रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फ़ोन रूटेड होगा तो आप 101% मतलब जितनी भी पिक्स आपकी डिलीट हुई होंगी आप पूरा उसे रिकवर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम बेसिक फ़ोटो स्कैन करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ पे सारे फ़ोटोज़, आपके पुराने फ़ोटोज़ जो भी आपके डिलीट हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए कोई भी पिक्स हो आप उसे यहाँ से रिकवर का बटन करके यहाँ पे दबा सकते हो। और अब इसे सेव, ये देखिए जब आप इसे यहाँ पे रिकवर का आप बटन दबाओगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाता है। पहला तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्राइव पे सेव कर सकते हो, दूसरा आप इसे फाइल मैनेजर में आप इसे सेव कर सकते हो। तो ठीक है, इसमें आप सेव कर लोगे, फिर आप यहाँ पे एड्रेस दे दोगे कि आपको किस फाइल फोल्डर में इसको रखना है, उसके बाद ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। चलिए मैं कहीं भी कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये जो है आपको सेव हो जाएगा। ये देखिए 1 फाइल सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा बता रहा है। तो बस आपको यही करना है, आपकी सारी फ़ोटोज़ आपकी सेव हो जाएंगी। और अगर आपको कुछ फ़ोटोज नहीं मिलती हैं आपको अपनी, तो इसके लिए आपको फिर अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने फ़ोन को रूट ना करें, क्योंकि वो फ़ोन के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। और मैं बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि फ़ोन को रूट कैसे करते हैं और इसका क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है।